नमस्कार, आई'ड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर। आप सबका स्वागत। राफाल पे अब पहले फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि अनिल अंबानी जी को राफाल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। अब राफाल कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा है, और मैं पढ़ लेता हूं। अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम डसॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय मीडिया पार्ट एंड रिवील्ड हियर, द अलायंस बिटवीन द फ्रेंच कंपनी एंड अनिल अंबानीज रिलायंस ग्रुप वॉज ए कॉम्पनसेशन, वर्डिंग सुनिए, वॉज ए कॉम्पनसेशन फॉर द परचेज ऑफ राफाल। This document contains a summary by staff representatives of a presentation of the Dassault Reliance Aerospace joint venture plant in Nagpur made to them on May 11th by Dassault Aviation's chief operating officer, effectively the group's second most powerful executive, Mr. Seguelin. According to the summary, Seguelin told the representatives it was imperative and obligatory for Dassault Aviation to accept this compensation in order to obtain the Rafale India export contract. तो बिल्कुल clear cut, Rafale के executive ने कह दिया है और France के ex राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का compensation दिया है। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफाल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं, कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 10 दिन पहले कंपनी खोली, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी के जेब में डाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। युवाओं, आप रोजगार ढूंढ रहे हो, हिंदुस्तान के किसान दबे हैं, कुचले हुए हैं, और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है, फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा और अब राफाल के कंपनी के सेकंड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा। जेपीसी की मांग की थी, जेपीसी की बात खत्म हो गई। तो क्लियर कट, मतलब इससे साफ करप्शन का केस हो ही नहीं सकता है। और अभी इधर उधर घूम रहे हैं, कोई फ्रांस जा रहा है, बट पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का पैसा, हिंदुस्तान के एयरफोर्स का पैसा अनिल अंबानी की जेब में डाला है। आपके कोई सवाल हो तो पूछे। क्या करें, डाउन देखिए, वो रेड करेंगे, हरास करेंगे, अटैक करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। बट मेन मुद्दा सीधा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो देश के चौकीदार बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने स्वयं, और मैं यहां कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि
फ्रांस के एक राष्ट्रपति ने बोला है, मैक्रॉन जी ने मुझे पर्सनली बोला उस टाइम कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस बिल्कुल नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस है। डेसॉल्ट कंपनी के नंबर दो एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव कॉम्पनसेशन। शब्द देखिए, इनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन फॉर व्हाट? व्हाट इज मिस्टर अनिल अंबानी डन? व्हाट इज ही बीइंग कॉम्पनसेटेड फॉर? दैट्स द क्वेश्चन। सो यू आर प्रेस पीपल, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आई अंडरस्टैंड दैट देर इज प्रेशर ऑन यू, बट द रियलिटी इज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए करप्ट पर्सन एंड ही केम टू पावर ऑन द एक्सप्रेस्ड पर्पस ऑफ फाइटिंग करप्शन। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लोकसभा में चर्चा की, डिस्कशन किया, डिबेट किया, आंख में आंख मिलाई, तो प्रधानमंत्री आपकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहे थे। यह सच्चाई है। No, actually, can I speak? No, actually, I'd like to say something. Pawar Saab very clearly said that he's been misquoted, but that is not the issue here. That's not the issue here. The issue here is that there is a clear-cut case of corruption against the Prime Minister of India. Whether Rahul Gandhi is speaking about it or somebody else is speaking about it, Hello. So the issue here, which I'd like to bring to your attention, is that the ex-president of France, no less, has said India's prime minister is corrupt. Now the company that got the contract, number two executive, has said India's prime minister is corrupt. They are both saying that the Prime Minister of India has decided to give this contract. And by the way, it's pretty clear that there is a huge cover-up attempt going on. The media is being pressurized, media ko dabaya ja raha hai. Aur Hindustan ki Raksha Mantri, France ja rahi hai. Isse saaf clear message kya ho sakta hai? Kejriwal ji, can you... देखिए, प्रधानमंत्री तो आजकल एक दूसरी स्पेस में है। प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे किए थे, जो बातें कही थी, प्रधानमंत्री उसके बारे में तो बोलते ही नहीं। आज देश में मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है। प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है। एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दबाव तो हमारा है और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो देना चाहिए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट मेन बात यह है कि जिस बात के लिए प्रधानमंत्री आए, वो प्रधानमंत्री नहीं मतलब भ्रष्टाचार करा है। कैन यू केजरीवाल जी, कैन यू गेट अप एंड आस्क द क्वेश्चन? या प्लीज गेट अप एंड आस्क। क्या कहानी? राफाइल कंपनी पे दबाव डालना, डेसॉल्ट कंपनी पे दबाव डालना, उनको चुप करना, कवर अप करना, यही तो है लॉजिक। हाँ, इफ यू विल नॉट आस्क, आई विल हैव टू टेक समबडी। Sir, somebody is waiting on the right side here. Hey,
Dassault, remember one thing. Dassault is sitting on a huge contract. Dassault is going to say what the Indian government wants it to say. Now, here is an internal document of Dassault. The internal document of Dassault says clearly what is going on, which is that the Prime Minister of India has said that without this compensation, this deal cannot be done. So the whole idea right now is to put pressure on Dassault. It doesn't matter. Look, the truth here is going to come out. There is enough material on this thing for the truth to come out. One by one, one by one, one by one, the truth is coming out. And it will become very apparent. Ek baat badi clear hai. Aur aaste aaste pure desh ko samajh aa jayegi. Hindustan ke pradhanmantri bhrasht hain. Hindustan ke pradhanmantri ne Anil Ambani ko ye Rafale contract mein 30,000 crore rupay dilwaye hain. Aur ye akela contract nahi hai. Abhi aur contract hai. अभी और इंफॉर्मेशन आएगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो आएगा बट रियलिटी है कि ये सिर्फ राफेल लेवल का की बात नहीं है ये डिफेंस इंडस्ट्री की बात है और आस्ते आस्ते अलग जगह अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी यही सवाल उठेगा भैया एक एक करके प्लीज नहीं देखिए वो सरकार में है जो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उनको करना चाहिए जो हेलो चल रहा है जो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उनको करना चाहिए दबा के करना चाहिए पूरे दम से करना चाहिए बट एक सेकंड प्लीज मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राफेल में क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हमने कहा था कि ठीक है अरुण जेटली जी से मैंने कहा देख ठीक है आप राफेल के बात कर रहे हैं आप सवाल उठा रहे हैं आइए जेपीसी करते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साफ हो जाएगा भाग गए लिटरली भाग गए तो हिंदुस्तान के युवाओं किसानों छोटे दुकानदारों भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी की चौकीदारी की है 30,000 crore रुपए उनको बचाने के लिए उनके बिजनेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एयरफोर्स से लेकर उनके जेब में डाला है यह सच्चाई है I will look this is a press conference on Rafale the Me Too issue is a very big issue and I will comment on that issue and at a further press conference I will give you my detailed views on that thank you very much thank you